सर so, नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे आर जी न्यू ऐप से यूट्यूब चैनल में सो so, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग जो बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग है वहां से अगर आप एटीएम पिन जनरेट करना चाहते हो तो कैसे जनरेट कर सकते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्रोम ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको लॉग के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग इंडिया के ऊपर क्लिक कर देना है उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डी डालना जो कि आपके पासबुक पर देखने के लिए मिल जाएगा वो यूज़र आईडी डी आप देख करके यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डाल देना तो जैसे कि अभी आप दस्ट यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी डाल दिया उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हो फिर आपको यहाँ पर साइन इन पासवर्ड डालना जो लॉगिन पासवर्ड होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना तो चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फटाफट मैंने यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड डाल दिया उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पे देखोगे जो नंबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं ये नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है ठीक है अगर आपको नंबर समझ में ना आए तो यहाँ पर आप रिफ्रेश बटन दिया गया यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके इसको रिफ़्रेश कर सकते हो ठीक है तो अभी जैसे कि अभी आप देख सकते हो तो यहाँ पर मैंने डाल दिया ये जो ऊपर नंबर आपको दिख रहा है ये यह मैंने यहाँ पे डाल दें उसके बाद अब आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हो फिर यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना होगा और फिर ये जो है लॉगिन हो जाएगा और फिर आप इंटरनेट बैंकिंग जो है उसमें चले जाओगे तो अभी चलिए यहाँ पर थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट इशू लग रहा है मेरे को इस वजह से टाइम लग रहा है यहाँ पे तो अभी जैसे यहाँ पर मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ लॉगिन के ऊपर और अभी आप देख सकते हो ये लॉगिन हो चुका है अगर कभी आपसे इस तरीके से लॉगिन ना हो तो आप दोबारा ट्राई करना हो जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखोगे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है आपका नेट बैंकिंग अब आपको यहाँ पर करना है क्या है यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए सबसे पहले आपको यहाँ पर तीन लाइन देखने के लिए मिलती है यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसे आप तीन लाइन के ऊपर क्लिक करते हो उसके बाद अब आपको अगर ए कार्ड का जो पिन अगर सेट करना है तो इसके लिए अब आप यहाँ पे देखोगे आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सर्विसेज का ठीक है तो यहाँ पर आपको सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको सर्विसेज देखने के लिए मिल जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कार्ड सर्विस के नाम से यहाँ पे कार्ड सर्विसेज जो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आपको देखने के लिए मिल जाएगा सेट रीसेट डेबिट कार्ड पिन अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कस्टमर आईडी जो है कि उसको कर लेना है तो यहां पे चलिए कस्टमर आईडी हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हो उसके बाद यहां पर अब आपको अपने डेबिट कार्ड का जो कार्ड नंबर है वो सिलेक्ट करना होगा ठीक है जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर मेरे में अभी दो कार्ड एक्टिवेट है तो यहाँ से जो है कि मैं अभी जिसका चेंज करना चाहता हूँ उसको मैं सिलेक्ट कर, तो कर लेता हूँ तो अभी जैसे कि मुझे पहले वाले का जो इसका पिन चेंज करना है या फिर मान लीजिए सेट करना है तो अभी आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको मंथ सिलेक्ट करना है और जैसे आप मंथ सिलेक्ट कर लेते हो फिर आपको यहाँ पर दिन सेलेक्ट कर लेना है जैसे आप दिन सेलेक्ट करोगे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा फिर अब आपको यहाँ पर इसका एक्सपायरी डेट ले लिया है ये आपका जो कार्ड है ये कब एक्सपायर होगा ठीक है ए कार्ड जो है उसका एक्सपायरी डेट यहाँ पर आपको इसमें लिखना पड़ेगा पहले तो आपको मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर अभी आप देखोगे यहाँ पे एक जो एरो आपको यही देखने के लिए मिलता है ब्लैक कलर का इसी के ऊपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है तो मेरा यहाँ पर ये रहेगा नवंबर तो यहाँ पर मैंने सॉरी मेरा नवंबर नहीं रहेगा यहाँ पर जो है कि ये इलेवन और यहाँ पर मेरा सितम्बर हो जाएगा ये ठीक है और उसके बाद यहाँ पर ईयर कौन सा रहेगा वो आप यहाँ पर, पर सिलेक्ट कर लो तो यहाँ पर मेरा छब्बीस दो रहेगा उसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर जो ओ आएगा हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वो हमें यहाँ पर ओ डालना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर चलिए मैं करता हूं। यहाँ पर जैसे मेरे पास OTP आता है मैं डाल देता सबमिट -फट तो ओटीपी के ऊपर क्लिक, कर क्लिक करोगे फिर यहां पर जो नेक्स्ट पेज आएगा वहां पर जो कि आप अपने डेबिट कार्ड का यानी एटीएम कार्ड का आप पिन यहाँ रिसेट कर पाओगे या फिर आप सेट कर पाओगे ठीक है तो यहाँ पर क्लिक कर दिया तो थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे हम सो so फ्रेंड जैसे ही आप ओ टी पी डाल तो ओ टी डालने के बाद फिर जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे फिर यहाँ पर आपको जो है कि नया एक पेज इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले आपको पिन इंटर करने के लिए बोला जाएगा यहाँ पर आपको सबसे पहले पिन डालना है और फिर आपको रीटाइप पिन में वही डालना है, जो आप ऊपर डाले थे पिन वही आपको नीचे डालना है उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो डेबिट कार्ड का पिन है वो चेंज हो जाएगा और अगर आपका पहली बार होगा तो ये सेट हो जाएगा सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना